बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिर अभी उम्मीद करता हूँ सब देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों मैं खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मेरा भी आज मेरे पास दोस्त है, होते सीज़न 2023 की कुर्बानी के लिए मेरा भाई बकरे ख़रीदे हैं। तो बाकी मैंने आप दोस्तों से मुलाकात भी करवानी है, कहाँ से आए हैं और मेरा भाई इन्होंने टोटल मेरे से कितने जानवर परचेज़ किए हैं बकरे, और बकरे इनको मैंने महंगे दिए हैं या सही दिए हैं। तो बाकी दोस्त आप ख़ुद बताएंगे। अगर आपने भी मेरा भाई सीज़न लगाना चाहते हैं या गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छे और सस्ते जानवर लेना चाहते हैं, बाकी माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर आपने डेरा गाजी खान में ना, तो एक बार खलील गोट फार्म पर विज़िट ज़रूर करना है। एक तो मेरा भाई चीज़ें आपको अच्छी देंगे और दूसरा मेरा भाई रेट सस्ता देंगे। और बाकी रिक्वेस्ट मेरी बार बार आप दोस्तों की, एक तो आपने वीडियो पूरी देखेंगे, इसमें आपने दोस्तों का मैसेज भी सुनना है। अगर आपने मेरा भाई सीज़न लगाना चाहते हैं, आपको पता है मेरा भाई जितनी दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, आप जितना हो सके जल्दी से सीज़न के लिए बकरे ख़रीदें, उसमें मेरा भी आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी होती जा रही है। जितना आप जल्दी लेंगे उसमें आपका ज़्यादा फायदा आएगा। बाकी अभी ये फ्रंट कैमरा से इनके जानवर दिखा रहा हूँ, बाकी आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ और पूरी मालूमात दोस्त भी आपको देंगे। और बाकी ये माइला से मेरा भाई, माइला से भाई ने बकरे ख़रीदे हैं, जिसमें मेरा भाई राजनपुरी भी हैं और इसमें जो ना कलर वाले भी हैं। ये जगह क्योंकि काम थी, कुछ बकरे जो ना मेरा भाई इधर खड़े किए हुए हैं, बाकी जो इनके दूसरी तरफ जो बकरे खड़े किए हुए थे ना, वो भी मेरा भाई आपको दिखाने हैं। अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो रबता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आप रबता करके मेरे फार्म में भी आ सकते हैं। या अगर आपने कार्गो के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो कार्गो मेरा भाई पूरे अल पाकिस्तान में मेरी सर्विस अवेलेबल है। आप ये तो माल मेरा भाई सेल हो गया है, अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से मेरा भी आपको हज़ारों की तादाद में जानवर मिलेंगे और रेट जो है मेरा भाई इंतहाई माकूल और मुनासिब देंगे। बाकी दूसरे बकरे वगैरह भी दिखाता हूँ, फिर उसके बाद भाई से मुलाकात करवाते हैं। बाकी आप उसने मेरा भाई दुआ करनी है, अल्लाह पाक इनके कारोबार रिस्क में बरकत फरमाए और मेरा भाई मजीद शौक करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छे और सस्ते जानवर और अच्छी क्वालिटी के सिर्फ और सिर्फ आपको खलील गोट फार्म मिलेंगे। और बाकी ये माला से मेरा भाई दूसरे बकरे ये खड़े किए हुए हैं, ये भी हैं माशाल्लाह से, तो चला दे भाई सारे क्वालिटी में मेरा भाई आपको खलील गोट फार्म के ऊपर एक से बढ़कर एक और अच्छी क्वालिटी के जानवर आपको सिर्फ खलील गोट फार्म मिलेंगे। ये भी बकरे मैंने कहा, भाई ने कहा मेरी लाज इन बकरों का भी दिखा दें, बाकी भाई आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे कितने बकरे लिए हैं, किस रेट पर दिए हैं, तो बाकी भाई आपको खुद बताएँगे। और ये बाकी भाई खड़े हमारे बारे में आपको पूरा गाइडलाइन करेंगे कितने बकरे लिए हैं, तो अभी आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या भाई? वकास रहमान। वकास, और भाई आप क्या नाम है? मेरा नाम शुएब। और भाई आप क्या नाम है? अली। सबसे पहले किसने इंटरव्यू देना हमारे बारे में? शुएब भाई। शुएब भाई थोड़ा जी 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 बोले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है सब। ये माशाल्लाह से हमने इनकी वीडियो देखी थी खलील गोट फार्म की जी। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह देख के, कई वीडियोज़ इन्होंने दिखाई अपने कस्टमर्स की वीडियो दिखाई, फिर हमारा इरादा बना कि चलो ये इनके बकरे देखने चलते हैं। हम बकरे देखने आए थे तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी वैरायटी इनके पास है, इतनी अच्छी लॉटें इनके पास हैं कि हमने नहीं लेने थे तो फिर भी 30 बकरे ले लिए। तो माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत बकरे लिए हैं, अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए सब। तो ये है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब लेके हम सियालकोट जा रहे हैं इन बकरों को, तो अच्छा। बस वापसी की तैयारी है। और ये माशाल्लाह से बड़ा बाएतमाद इदारा है, खलील गोट फार्म नाम भी होगा पीछे जी जी यार। तो ये है कि आप एतमाद करके आ सकते हैं, आराम से इनके पास आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी ख़रीदारी जो है ना आपकी यहाँ से हो जाएगी। अच्छा शेब भाई ये बता दें, आप ये बकरे लाहौर कौन सी जगह पे लेके जाएंगे? मेरी तरफ देखें सियालकोट लेके जाएंगे। सियालकोट कौन सी जगह, पूरा एड्रेस बताएं ना दोस्तों को। सियालकोट में ये जा रहे हैं माछी खोखर जा रहे हैं ये, ठीक है, हेडमराला के पास जगह है, ठीक है, माछी खोखर वहाँ पे जाएंगे। अच्छा कितना अर्सा से आप मेरी वीडियो देख रहे थे? तकरीबन 1-1.5 साल हो गया था। तो शौक पड़ा के जानवर। अच्छा ये तो आपने शेब माल ले लिया, अगर कोई और दोस्त है माल मिलेगा नहीं मिलेगा? माशाल्लाह बहुत माल है इनके पास, जितना आप माल मांगेंगे उससे ज़्यादा ही आपको दिखाएंगे, आपकी तसल्ली हो जाएगी। आपका दिल खुश हो गया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुश हुए। अभी यही मैसेज देना है आपने, कोई और मैसेज देना है? जी जी माशाल्लाह से मैं कहता हूँ आंखें बंद करके इनके पास आ जाएं, ये आपको खरीदारी बेहतरीन यहाँ से हो जाएगी आपकी। पहले आप थोड़ा सा डर तो रहेंगे, वो भी बताएं कि नई जगह पे जा रहे हैं, वो भी बताएं दोस्तों को थोड़ा सा। हम एक और जगह पे भी जा रहे थे तो वो उनके फ़ोन भी आ रहे थे हमें कि आप हमारे पास आए, हम आपको जानवर दिखाएंगे। लेकिन माशाल्लाह से इनके पास ही आके जो है ना हमारी तसल्ली हो गई, इतना जानवर इनके पास है कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भाई इधर आज अभी आपने क्या मैसेज देना आपका लास्ट में इंटरव्यू? जी खलील भाई के पास आए हैं माशाल्लाह, खलील भाई के गोट फार्म पे आके बड़ा मज़ा आया और उसके बाद खलील भाई ने बड़ा ताबुन किया है
अच्छी से अच्छी क्वालिटी खलील भाई के पास मौजूद है। लेने हम थोड़े बकरे आए थे, लेकिन माशाल्लाह क्वालिटी देख के बड़े मुतमईन हुए हैं, जिसकी वजह से हमने क्वांटिटी भी अपनी बढ़ाई है और रेट में भी भाई ने जो है बड़ा अच्छा तावन किया हमारे साथ। आपका आने का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। अच्छा भाई, अभी आपने क्या मैसेज देना है लास्ट में? आपने बड़ा सा मैसेज देना सियालकोट भाइयों को और पूरे पाकिस्तान जितने भी दोस्त या बाहर से कंट्री से देखते हैं, उनको क्या बड़ा सा कोई पैगाम दे दें? सर मेरा पैगाम यही है कि आप ज़रूर इधर विज़िट करें, आके देखें इनकी वैरायटीज़, और इनके पास हर तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, कम रेट में भी आला और बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी भी है इनके पास। सही है। तो बाकी ये है कि आप ज़रूर इनकी तरफ विज़िट कीजिएगा, और जितना आप अच्छा माल लेना चाहें वो इधर से आप ज़रूर ले सकते हैं। अब इकट्ठे करें। अच्छा, ये बकरे मतलब सीजन अपनी कुर्बानी के लिए या सीजन पे लगाने के लिए लिए हैं? ये अभी इसमें से कुछ कुर्बानी के लिए भी लिए हैं। अच्छा, सीजन के लिए लिए। सीजन भी लगाएंगे, चलो अपनी कुर्बानी के लिए भी कुछ जानवर बच जाएंगे। हाँ, वैसे भी आपको पता है बकरे बकरियां पालना हमारे पैगंबरों की सुन्नत भी है, तो शौक का शौक भी है और सुन्नत का भी हो जाता है। तो ठीक होगा, अभी गाड़ी पे इनके भाई के जानवर वगैरह लोड करवाते हैं। इनका भी आपने मैसेज सुनना है, आपका मर्जी जब दिल करे आप मेरे फार्म पे आ सकते हैं, आपको हर क्वालिटी का और हर कैटेगरी का जानवर देंगे। मेरी तरह देखे भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आ जाए भाई, और ये भाई की गाड़ी खड़ी हुई, अभी ये दुआ सलाम करें, मेरी तरफ देखें। ठीक है जी, ठीक बस इजाज़त। अच्छा जी, इन शुक्रिया।